want my money back! कितनी गिरे अब बाकी है। रहमान जोया, कहाँ जा रहे हो तुम रहमान? उसे नहीं पता सोया। क्यों रहमान, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने मरना नहीं चाहता सोया। मत कहो रहमान। ऐसा ही है सोया, ऐसा ही है, क्योंकि तुम अब तुम सिर्फ मेरी डॉक्टर नहीं रही और मैं कैंसर में तड़पता हुआ एक मरीज नहीं रहा। अब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब क्या होगा रहमान? अब ये कि मोहब्बत में जख्म पर मरहम रखने वाला खुद जख्म जख्म होके रह जाता है, आंसू पोंछने वाला खुद रो पड़ता है जोया, और दवा देने वाला डॉक्टर उसकी कड़वाहट को अपने गले तक महसूस करता है। और मैं तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता सोया। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है रहमान, मैं सब जज कर लूंगी। नहीं सोया, मैं तुम्हें अपनी मौत का दुख नहीं देखने दूंगा। मैं जा रहा हूँ सोया। नहीं रहमान। मैं जा रहा हूँ सोया। नहीं रहमान, रुक जाओ रहमान। मुझे मत रोकना सोया, मत रोकना मुझे। रहमान, क्या सीन है यार, लाइटिंग चेक की है, कितनी नेचुरल है। क्या हो गया भाई? तू तो हिट है, अगर तेरा मुलाजिम ऐसे रो रहा है तो सोच, बाहर तो औरतें धाड़े मार मार के रो रही होंगी। चल बेटा, जा जूस लेकर। किसका है? दवा दो। पिक करना, लोग विश करना चाह रहे होंगे। लोगों की दाद की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ एक की विश का इंतजार, बाकियों की विशेष तू रख। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ सर, बस आप लोगों की दुआएं। सर मेहनत करें, हसद ना करें। आओ तुम यार। इतना इंतजार, किसी की जान ही निकल जाए। सिगरेट छोड़ दी तुमने, अब इस लाइटर की भी जान छोड़ दो। एक यही तो सहारा है मेरा, जब आपका इंतजार रहता है, इसे कैसे छोड़ दूं? पर मैंने सोचा तुम दूसरों से बात कर लो। मैं आराम से तुमसे बात करती हूँ। आज वैसे भी तुम्हारे सीरियल का आखिरी एपिसोड चला है। जाहिर है, बहुत सारी कॉल्स आई होंगी तुम्हें। किसी से बात नहीं की। क्यों पागल, इतनी बड़ी कामयाबी है, उसे सेलिब्रेट करो। इतनी दाद और इतनी बार जिंदगी में लोगों को कम मिलती है। मुझे सिर्फ आपकी दाद और आपकी तनकीद चाहिए, बस 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 बस। पागलपन नहीं। पागल बना कर कहते हो, होश में रहो, ऐसे कौन करता है?
सरेश, इतनी सुबह? एक बज रहा है उल्लू, ये रात को तुम कौन सी शाख पे बैठे हुए थे जो मेरा फोन नहीं उठाया? अरे यार वो असल में मैं ना, अच्छा प्लीज अब मेरे से झूठ मत बोलना, मुझे मुख्तार ने सब कुछ बता दिया। कौन है ये, जरा बात तो कराओ मेरी इससे। लिसन सरेश, सर इधर तो इधर कौन है ये जिसने इतनी मुसीबत बचा रखी है? मुझे असल में उसे फोन करने की इजाजत नहीं है, बट वो दोबारा फोन करेगी तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूंगा और तुम उससे बात कर लेना। लानत भेजती हूँ उस पर। चलो ये भी ठीक है, वरना ये काम भी उसे करना पड़ता है। तुम एक काम करो, बैठो, चाय पियो, मैं चेंज करके आता हूँ। उफ, इतनी अच्छी फीडबैक आई है, यू कैन इमेजिन। तुम्हें तो सिर्फ उस डाइन की फीडबैक की फिक्र होती है ना? एक बात बता, वो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मर्द भी हो सकता है जो तुमसे लड़की की आवाज में बात कर रहा है। हाँ सही कहती हो तुम, वैसे आवाज की ऐसी चाशनी और आर्ट की इस कदर समझ अगर किसी मर्द को भी हो ना तो भी सर आंखों पर। हसाम, अब तुम वो बन रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। नहीं, मैं वो बना हूं जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारी जैसी सुपरस्टार के साथ यहां बैठा हूं, है ना? वरना तुम जैसी लड़की मुझ जैसे देहाती लड़के को कहां मुंह लगा। वो तो मैं तुम्हें अब भी नहीं लगाऊंगी जब तक तुम ये ड्रामा खत्म नहीं करते। ये ड्रामे बंद करिए तो ये सब कैसे करेंगे? इस बार ये वंडर वुमन तुझे ले डूबेगी असाम, होश कर। सर वो अगला सीन कर। एक मिनट रुक जा यार, बात कर रहा हूँ ना। देख तू हीरो बन चुका है लोगों का, विलन का कैरेक्टर करेगा, तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर तुम एक काम करो जावेद, किसी और को कास्ट कर लो, मैं कैरेक्टर करूंगा तो विलन का। मैं बात करता हूँ ना उस वंडर वुमन से, तू मुझे नंबर दे, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। 03 वो एक बात करती है जावेद। ठीक है मेरे बाप, जो तू कहेगा वैसे ही होगा। तुझे खुदकुशी करनी है तो कर, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये पागल है तो तुम तो होश में थे ना? करने दो इसे, एक बार फ्लॉप होगा ना तब जाके उस वंडर वुमन का भूत उतरेगा इसके सर से। हाँ जावेद सही कह रहे हो तुम, जिस तरह उस एक्स्ट्रा का भूत तुम्हारे सर से कोई 4 सीरियल बाद उतरा था ना, और मैं एक सीरियल में अपना इश्क बुला इश्क। वैसे गेटअप तूने आला बनाया है ना, नॉट बैड, अच्छा स्टाइल है, ये भी उसी ने बनवाया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उसको बोलो कि ये रोल भी वो ही कर ले तुम्हारे साथ आकर। यार इसको मत तपाया कर यार, अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हो गया काम। अरे से तपाऊंगा तो कैरेक्टर में आएगी, एक विलन को ना हीरोइन की आंखों में नफरत चाहिए। ये भी वंडर वुमन ने सिखाया है क्या? नहीं भाई, दो बातें मुझे भी आती, मेथड एक्टिंग, आई लाइक इट। तुम दोनों सीन रिहर्स कर लो, मैं सेट पे जा रहा हूँ, और प्लीज ले आना इसको, इम्तियाज काम मर गया है यार। उसको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है, एक मर्द एक औरत से इतनी मोहब्बत करे ना तो वो उसके कदमों में बिछ जाती है। बस चले तो मैं आपको इतना प्यार दूं, आपसे इतनी मोहब्बत करूं कि आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाएं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो आपकी कदर ना कर सके। मैं उसको इस कदर प्यार दूंगा कि कभी किसी ने पूरी कायनात में किसी से इतना प्यार नहीं किया, समझी? ये तो तुम्हारी लाइन नहीं है। बस अब तो एक ख्वाहिश रह गई। क्या? तुमसे मुलाकात हो तो रही है। नहीं इस तरह नहीं, मैं असल में तुमसे मिलना चाहता हूं, ये सारी बातें आमने सामने बैठ कर करना चाहता हूं। ये नामुमकिन है, मैं खुद को नहीं रोक सकता। पागल मत बनो। हाँ
हो जाऊंगा पागल मैं। नहीं हसन, संभालो खुद को। तुम्हें मालूम है दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारी तस्वीरें बनाता रहता हूँ, जाने तुम्हारा क्या क्या तसव्वुर बनाता रहता हूँ, सब कुछ अधूरा लगता है तुम्हारे बगैर। हसन प्लीज एक बार, ये सारी कामयाबी, ये वावा, ये फेम, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हम नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार, फिर मैं कभी नहीं मिलने को कहूंगा। हेलो, पता नहीं अभी तक उसी जिद पर अड़े हो। जिद नहीं, जिंदगी। ठीक है, मैं मिलूंगी तुमसे, लेकिन सिर्फ एक बार। तुमने सिर्फ देखना है मुझे, देख लेना। लेकिन मैं मम्मी के साथ होंगी, वो बहुत सख्त औरत है। जैसा कि उनकी उम्र की बेवा औरतें रूखी और रूढ़ होती हैं। मुझे आपकी मम्मी से क्या लेना, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके पास ब्रंच एड्रेस की कॉपी है? सॉरी मैम, खत्म हो गई है। आपने पहचाना नहीं मुझे? आपको कौन नहीं पहचानता, जैसे आप टीवी पे दिखते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जितनी हसीन फोन पर सुनाई देती है, हकीकत में भी उतनी हसीन। ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर, एक पेन दीजिएगा। मेरी अम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बुलाऊं उन्हें? मैं सिर्फ आपका फैन। चले यहां से। ओके। जैसे ही याकूब कमरे से निकला तो उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही वो मुड़ा तो कहां खो गया है यार, तेरे तो होश बिल्कुल ही उड़ गए हैं। सॉरी जावेद, मत पूछ यार, पता है जितनी जहीन है ना उतनी मासूम और खूबसूरत भी। अब तसल्ली हो गई ना, अब काम की बात सुन ले, एक और टेलीफिल्म है। नहीं जावेद, प्यास और बढ़ गई मेरे दोस्त, सब कुछ सुना सुना लग रहा है उसके सिवा, किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। तू बैठ, मैं आता हूं अभी।
यार कहाँ जा रहा है यार, आज कंप्लीट करना है पूरा स्केड्यूल यार, एक रीडिंग तो कर दे यार। कैसे हैं आप? आपको पता है जब से आपसे मुलाकात हुई मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, और आप यकीन जान अब मैं रह नहीं सकता आपके बगैर। मैंने कहा था ना तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब कैसे रोको खुद को, पहले तो हमारे बीच बहुत से हिजाब थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी उम्र क्या है, आपका स्टेटस क्या है, बल्कि मेरे तो बहुत से दोस्त मुझे छेड़ा करते थे कि जरूर ये कोई मर्द है जो आवाज बदल बदल कर तुझे तंग करता है। पता नहीं किस किस तरह के तसव्वुर बना कर रखे थे मैंने, और पहले मुझे सिर्फ ये लगता कि शायद आपकी जहानत ही आपका हुस्न, मगर आज मैं समझ गया आपका हुस्न आपकी जहानत, कुछ भी कर लूंगा आपके लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक आम से आदमी को एक स्टार बना दिया, उसी तरह जिंदगी में आपकी जो ख्वाहिश होगी वो मैं हासिल करूंगा आपके लिए। मैं ये ताल्लुक भी तोड़ दूंगी। क्यों क्यों करेंगे आप ऐसा? क्या खामी है, क्या कमी है मेरे? हसन प्लीज इस टॉपिक को बंद करो, मुझसे बात करो। तुम आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैं आगे, कुछ नहीं साइन करूंगा। और कि हेलो हेलो हसन, दैट वाज अ टेरिबल शॉट, बिल्कुल कैरेक्टर में नहीं हो तुम। मैं अपने आप में नहीं हूँ, तुम कैरेक्टर में आने की बात करती हो। तुम्हारी उस माँ ने मना किया होगा ना तुम्हें ये कैरेक्टर करने से, हैं इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? नहीं उससे मैं बात नहीं कर रहा। वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया जान छुटी। ऐसे इसी ने तुम्हारी जान छोड़ी होगी, वरना तुम में तो इतनी अकल है नहीं। हसन अब तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा सब कुछ असली है, मेरा ये चेहरा, मेरी आवाज, मेरा एहसास, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम सिर्फ मुझे देखो। क्या हो गया तुम्हें, इस तरह बेगानों की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? मैं आपको देख के घबरा जाती हूँ। रोज मिलोगी तो घबराहट खत्म हो जाएगी। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं रोक नहीं सकता अपने आप। ये जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं है। ये वो जिंदगी है जो तुम्हारे बिना अधूरी है। मैंने जब से तुम्हें देखा है हर बाकी चीज बेमानी लगती है। मैं आपको जानती हूँ कितना। तुम जितना जानती हो मैं उतना ही। शोबिज वाले फ्लर्ट होते हैं। तो छोड़ देता हूँ शोबिज। आप ये दीवाने हो गए? हाँ तुम्हारे लिए। एक्टिंग तो खूब कर लेता है। तुम्हारे इश्क ने सिखा दिया मुझे, मालूम है मैं जैसा हूँ जो भी हूँ तुमसे हूँ और तुम्हारा। देखिए आप एक अदाकार हैं और मैं एक आम सी लड़की हूँ, आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं रिश्ता निभा पाऊंगी। ऐसा ना कहो, मुझे आसमान पर बिठा के जमीन पे ना पटको। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ छोड़, मैं छोड़ दूंगा ये सब। अच्छा जी, जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत ही होती है। मेरी कामयाबी और नाकामी के अरूज और जवाल की दास्तान भी इतनी ही है, इतनी ही है। मैं जानता हूं कि मुझसे प्यार करने वाले सब लोगों को इस बात का सदमा होगा,
मगर मजबूरी है। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ आप सबको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी कुछ जाति वजूहत के बिना पर फन की दुनिया से किनारा कश होने का फैसला कर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब हम तो अब बेकार हो गए हैं ना, वही आपके लिए सब कुछ हो गई है। पता नहीं किस दो नंबर के चक्कर में पड़ गया। सर, आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। जो भी कहता मैं नहीं हूँ। सर, वो कह रही थी कि सब कुछ आप उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। बोल दिया ना, कह तो नहीं हूँ। क्या मजबूरी आपकी? वो कौन सी दीवार है जिसको आपकी मोहब्बत भुलांग नहीं सकती? रुपया, पैसा, स्टेटस, डिफरेंस इन आवर लाइफस्टाइल्स, या कोई और रिश्ता? रुकावट ऐसे रोक रही आपको, प्लीज बताएं मुझे। मैं उस एक्सट्रीम तक कैसे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे आप पहुंच गए? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब कौन सा पर्दा रह गया मेरी जात का जिसको आपने झांक कर नहीं देखा? मसला क्या है बीबी आपके साथ? क्यों कर रही हैं आप इसके साथ ऐसा? आप माशाल्लाह खूबसूरत, मेरा मतलब है खुद बहुत ज़हीन है, आप सब समझती हैं। आज इसने फील्ड छोड़ी, कल शहर छोड़ेगा और परसों शायद दुनिया। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। कल शाम को मैं आपको वहीं मिलूंगी, उसी बुकशॉप पर। सुने, नाम अभी नहीं बताया। रुमैसा। चल बेटा, तेरा काम तो हो गया। अब शराफत से बता मुझे स्केड्यूल कब से करूं शूट का। करो शूट। चल भाई रशीद आजाद। क्या हुआ? कहां थी तुम आज सारा दिन? बस किसी को तलाश करने के लिए गई थी। डोंट टेल मी टोनी अगेन। मैंने पहली दफा इतना बेवफा कुत्ता देखा है। वो बेवफा नहीं है, वो बस दिल पेंक है। इधर उधर बंगलों में जाता और घूम फिर कर वापस आ जाता है। लेकिन मैं किसी और को तलाश करने गई थी। किसको बेटा? अम्मी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि अगर कोई भी मेरी जिंदगी में आएगा तो आप विलन नहीं बनेंगी। अम्मी, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे लिए कोई भी पागल हो जाए, सब कुछ छोड़ दे? कौन है बताओ तो।
हसाम, हसाम सुपरस्टार। देखा आप हैरान हो गए ना, आपको पता है बहुत छोटी सी मुलाकात थी और फिर दो तीन दिन बाद वो मुझे उसी बुक शॉप पर मिला और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। इस बात को मैंने इतना बड़ा झूठ समझा कि आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब से उसका नया फेसबुक स्टेटस आया, आपने तो देखा ही होगा, तब से मैं परेशान हूँ। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ क्योंकि उस दिन मैंने उसे एटीट्यूड दिखा दिया था। वो कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा। अम्मी, आप बताएं, क्या मैं उससे एक बार मिल लूं? हाँ, मगर जस्ट बी केयरफुल, ये शोबिस के लोग। इसी बात का तो डर है मुझे, लेकिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई है कि आप बताएं, मिल लूं मैं उससे? Are you sure? जी, of course तुम उससे मिल सकते हो। Thank you so much. प्लीज मुझसे ये मत कहना कि आप आज मिलने नहीं आ सकते। हाँ हसाम, मैंने यही कहने के लिए फोन किया। क्यों? तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, बस निकलने वाला हूँ। तुम ऐसा करो, घर आ जाओ, अम्मी ने बुलाया। मम्मी ने बुलाया? यानी तुमने उनको सब कुछ बता दिया? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तुमसे मिलना चाहती हूँ। Okay. All right. आओ। बैठो। Thank you. क्या पियोगे? नहीं, किसी किस्म की ज़हमत की ज़रूरत नहीं, बस पानी चल रहेगा। वैसे दूध पत्ती यहाँ भी मिल सकती है, वैसी नहीं जैसे तुम इस वक्त पीते हो झोंपड़ी वाले होटल में। लगता है रुमैसा ने आपको सब कुछ बता दिया मेरे बारे में एक ही सांस। वो क्या बताएगी मुझे, उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम चाय में चीनी कितनी पीते हो। Thank you. कुछ समझ में आई तुम्हारी? तुम कैसे फनकार हो आसाम, आवाजों तक को नहीं पहचानते। लहजे के उतार चढ़ाव को नाप नहीं सकते, लफ्जों की शनासाई और अजनबियत को भी नहीं पहचानते तुम। कितना समझाती थी मैं तुम्हें कि लफ्ज हमेशा समझ के बोलो, लहजे से किरदार को बनाओ, खुद ब खुद एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और अगर किसी को समझना हो तो आंखें बंद करके उसके लहजे के उतार चढ़ाव को सुनो, सच और झूठ पता चल जाएगा।
तुम किस किस्म की मोहब्बत में मुब्तला हो? चेहरे पर बहक के 3 साल की गुफ्तगु, निगाहों की अदा ने गूंगी और बहरी कर दी। वाह सामसा वाह, जिन लफ्जों से तुम मेरा चेहरा बुनते रहे, आज वो चेहरा तुम्हारे सामने है। और तुम उसे पहचान नहीं सके, तुम फेल हो हसन, फेल तुम्हारी मोहब्बत भी और तुम्हारी अदाकारी भी। वाह सामसा वाह, लोग तुम्हारी अदाकारी देख के वाह वाह करते हैं, और तुम कैसे फनकार हो? आवाजें तक नहीं पहचान सकते। तुम मुझे बहुत प्यारे हो हसन, तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारा ये भोलापन, तुम्हारी सादगी सबसे प्यार है मुझे, और प्यार करती रहूंगी। मगर तुम्हारी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैंने अपनी प्यारी बच्ची को एक इतना बड़ा धोखा दे दिया। आपने मुझे भी धोखा दिया। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? क्या धोखा दिया? सिर्फ यही नहीं बताया ना कि मैं कौन हूं, और क्या किया? कोई वादा किया तुमसे या किसी किस्म का फ्लर्ट किया? मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं 40-45 साल की बेवा औरत हूं और तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, तुम्हारी एक्टिंग में, तुम्हारे करियर में मशवरे देना चाहती हूं, तो आज जिस मुकाम पर तुम खड़े हो ना, कभी ना खड़े होते। ये मेरी फैंटेसीज है जो तुम्हें हंसाती हैं, रुलाती हैं, मोहब्बतें करवाती हैं और नफरतें करवाती हैं। वो आने वाली होगी। मेरी बच्ची ने आज तक जो खुशी जो दुख देखे हैं, तो हमेशा मेरी गोद में सर रख कर खुशी में हंसी और गम में रोई है। इसलिए यहां से चले जाओ प्लीज। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो एक एहसान मुझ पर कर दो। अगर मैं रमैसा का नशा ना तोड़ सके तो बिल्कुल ऐसे एक और धोखा उसे भी दे दो।
नहीं आया ना वो। अच्छा हुआ नहीं आया, बाद में और तकलीफ होती। ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, झरकी, फ्लर्ट, चालबाज। कोई इतना बड़ा झूठ इतनी सच्चाई के साथ कैसे कह सकता है? कमाल का एक्टर तो है ना, इसलिए इतने कम वक्त में एक मामूली एक्स्ट्रा से इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत एम्बेरसमेंट फील कर रही हूँ। क्यों एम्बेरसमेंट फील हो रही है? देखो ये बात सिर्फ तुम जानती हो या मैं जानती हूँ, मैं आज के बाद उसे भूल गई, तुम भी भूल जाओ। चलो बतवा लिए जूस निकालते, मुझे पता है सुबह से तुमने एक्साइटमेंट में कुछ नहीं खाया। खुद को इन छोटे मोटे कैरेक्टर्स में जाया मत करो। तुम एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है। कौन बात कर रहे? तुम्हारे साथ थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम कॉन्शियस हो रहे हो। वही तो तुम्हारी खूबसूरती है पागल, तुम्हारी इनफरादियत। आप प्लीज बताएंगे कौन बात कर रही है? हिम्मत पूछो कि मैं कौन बोल रही हूँ। ये सुनो, मैं बोल क्या रही हूँ? तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारा जिस्म बोलता है। इसलिए लफ्ज बोलते हुए उसके तलफ्फुज में अटका ना करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपना फ्लेवर दो। अच्छा, आप प्लीज बताना पसंद करेंगे कौन बात करे? तुमने अगर दोबारा ये सवाल किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप बोले। अब तुम्हारे पास कोई भी स्क्रिप्ट आए उससे पहले मुझसे डिस्कस करना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कौन सा कैरेक्टर करना है और किस तरह करना है। देखिए, जब मैं आपको जानता तक नहीं तो मैं कैसे डिस्कस कर लूं आपके साथ? तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा जितना तुम खुद को जानते हो। जूस पीला। आ गए नाकाम आशिक, कहाँ गायब थे आप? मैं कहाँ गायब था इस बात को छोड़ो जावेद, तुम्हें शूट प्लान करो, मैं तैयार। शुक्र है दिमाग तो ठिकाने पे आया। अपना लाइटर दे। लाइटर कहीं छोड़ आया हूँ। अबे यार, न जाने कहाँ भूला। कितनी तरह बतलाए कोई।
गिरे।